बॉस लेडी श्रुति और आज का वीडियो मैं हिंदी में करने वाली हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आ रहे थे कि मैं एक हिंदी में वीडियो करूँ और क्योंकि मेरे जो मीशो हॉल्स होते हैं वो आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं तो मुझे लगा कि इस बार का मीशो हॉल मैं हिंदी में करूँगी। बाय द वे मैं बस डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ, मेरी हिंदी इतनी भी अच्छी नहीं है और मैं इस वीडियो में शायद बहुत बार इंग्लिश शब्दों का भी इस्तेमाल करूं तो डोंट कम फॉर मी, ओके। तो हमारे पास आज ना कुछ बहुत ही दिलचस्प और दिल खुश करने वाले आइटम्स हैं जो मैं आपको दिखाना चाहती हूं, जो मैंने मीशो से ख़रीदा। मैं मीशो की बहुत बड़ी फ़ैन हूं, मुझे मीशो से शॉपिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि जो अच्छी बात है ना, उधर वहाँ पे तुम एक एक आइटम भी मंगवा सकते हो और शिपिंग फ्री होती है। सो आप डेफिनेटली, मैं एक लिंक शेयर करूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो चेकआउट कर लीजिए, मीशो के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि वहाँ पे हमेशा कई सारे ऑफर्स चलते रहते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आप मीशो डाउनलोड करके अपना जब पहला ऑर्डर प्लेस करेंगे तब आपको फ्लैट ₹100 या फिर 30% ऑफ मिलेगा, विच इज़ बहुत अच्छा डील। डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को देख लीजिए और चलते हैं वीडियो की तरफ। पहली जो आइटम है वो तो ये खूबसूरत अमेजिंग सी साड़ी है। ये एक लेमन येलो कलर की साड़ी है जिसपे बहुत ज़्यादा खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी की हुई है, इस पे पर्ल डिटेल्स भी हैं जो ऐसे फ्लावर डिजाइन्स में है। ये नेट मटेरियल में है जिसपे एम्ब्रॉयडरी की गई है और इस साड़ी की ड्रेप इतनी खूबसूरत है। ये जो लेमन कलर है ये मेरा ऑलमोस्ट टॉप फेवरेट कलर है, मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ लेमन येलो कलर को, और क्योंकि मुझे लगता है कि जो टैन ब्राउन स्किन टोन्स है, जैसे इंडियन स्किन टोन्स हैं, उनको बहुत निखारता है ये कलर। और इसको जो है मैंने ये ब्लैक ब्लाउज के साथ पहना है, ये एक्चुअली एक क्रॉप टॉप है जो मैंने एज अ ब्लाउज इसमें इस्तेमाल किया है, हालांकि इसके साथ उसका अलग से ब्लाउज मटेरियल भी आता है। मैं डेफिनेटली ब्लाउज भी सिलाऊंगी क्योंकि मुझे ये साड़ी इतनी ज़्यादा पसंद है, बट आज के लिए मुझे लगा कि मुझे ये ब्लैक एंड येलो का कॉम्बिनेशन बहुत ही रेट्रो लग रहा था तो इसके लिए मुझे ये वाला लुक ट्राई करना था। आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपको ये ब्लैक एंड येलो का कॉम्बिनेशन कैसा लगा। मेरी मॉम तो हमेशा जब भी ब्लैक एंड येलो में पहनूँ तो मुझे बोलती थी कि तुम तो टैक्सी लग रही हो, पर मुझे ये कॉम्बिनेशन ब्लैक एंड येलो का बहुत ज़्यादा पसंद है तो इसके लिए मैंने इसको ऐसे पैरअप किया है। नेक्स्ट आइटम है ये बहुत ही खूबसूरत ज्वेलरी सेट जो मैंने इसी साड़ी के साथ पहना है। ये सेट इतना ज़्यादा खूबसूरत है, एक्चुअली इस सेट पे ना मेरी नज़र ऑलमोस्ट 3 हफ्तों से थी तो, और फाइनली मैंने बस बोला कि यार ले ही लेते हैं, तो फिर क्योंकि मैं यूजुअली ना इतने बड़े वाले ऐसे स्टड्स नहीं पहनती हूँ, बट मैं सिर्फ सोच रही थी कि मुझे ये इयररिंग्स अच्छे लगेंगे कि नहीं लगेंगे क्योंकि मैं यूजुअली ऐसे बड़े वाले स्टड्स नहीं पहनती, बट जब मैं इन दोनों को एज अ सेट पहनती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक ये इस साड़ी के साथ भी बहुत खूबसूरती से जा रहा है। ये जो सेट है ये मुझे बहुत ज़्यादा सव्यसाची वाला वाइब दे रहा है कि मैं बस एक सव्यसाची ब्राइड हूँ और मैं एकदम ऐसे एलिगेंट क्वीन बन के बैठी हूँ, तो हाँ इसीलिए मुझे ये सेट बहुत ज़्यादा पसंद है। आई थिंक प्राइस पॉइंट भी इसका बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, तो अगर आप इस पूरे हॉल में से एक ही आइटम लेना चाहते हैं डेफिनेटली इस ज्वेलरी सेट को डेफिनेटली ऐड टू कार्ट कीजिए। अगला है ये येलो वाला टॉप जो मैंने मीशो से लिया। मुझे इसका जो पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था क्योंकि एक साइड पर जो फैन टाइप डिटेलिंग है वो मुझे बहुत ज़्यादा फ्लैटरिंग लगती है। आई फील कि ये जो टॉप है स्पेशली लड़कियाँ जो शायद थोड़ी बस्टी होंगी उनके लिए एक्चुअली अच्छा रहेगा क्योंकि वो जो
फैन वाला पैटर्न है वो उनके चेस्ट एरिया को काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करके रखेगा। तो डेफिनेटली अगर आप हैवी चेस्टेड हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप ये वाला टॉप डेफिनेटली ट्राई कीजिए। ये टॉप में और भी बहुत कलर्स अवेलेबल थे पर मैंने ये येलो वाला चुना क्योंकि मुझे थोड़ा म्यूटेड वाला कलर चाहिए था। बट डेफिनेटली ऐप पे आप देख सकते हैं कि इसमें आई थिंक ब्लैक है, एक पिंक, एक लैवेंडर कलर का भी था ऑप्शन, क्योंकि मेरे पास ऐसे कलर का नहीं था इसके लिए मैं ये वाला लिया था। बट ऐप पे बहुत सारे कलर ऑप्शंस हैं, आप देख सकते हैं और अपना पसंदीदा कलर चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अप है बहुत ही तड़कता भड़कता हुआ एक लॉन्जरी सेट। मैं आपके साथ पूरी तरह से ऑनेस्ट होना चाहती हूँ और बोलना चाहती हूँ कि ये जो है वो ट्रांसपेरेंट है। मैंने आपको दिखाने के लिए इसे ये एक सी थ्रू शर्ट के अंदर पहना है ताकि आपको डिज़ाइन और पैटर्न का थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जब कोई भी वो ट्रांसपेरेंट टाइप के टॉप्स ऐसे कुछ पहनूंगी जहाँ पे मैं चाहती हूँ कि मेरा इनर वेयर दिखे, तो तभी मैं यूजुअली ऐसे ब्रालेट्स टाइप पहनती हूँ। ये जो है सेट में आता है, टॉप एंड बॉटम्स दोनों साथ में एज ए सेट आते हैं। डेफिनेटली ये बहुत ही ज़्यादा सेक्सी है। अगर आप अपने बॉयफ्रेंड या हस्बैंड के साथ हॉलीडे पे जा रहे हैं तो आप डेफिनेटली इसको ले सकते हैं, क्योंकि वो भी इसको ज़्यादा पसंद करेंगे शायद। हम ठहरे नादान सिंगल परिंदे तो हम इसे बस अपनी खुद की खुशी के लिए अपने टॉप्स के अंदर ही पहनेंगे, पर अगर आप अपने हस्बैंड या बॉयफ्रेंड के साथ हॉलिडे पर जा रहे हैं तो मेरे ख्याल में ये वाला जो सेट है वो उन्हें भी काफ़ी पसंद आएगा। तो क्योंकि इसका कलर जो है वो बहुत सेक्सी है, इसका फिट भी काफ़ी अच्छा है और ये स्ट्रेचेबल भी है, तो साइजिंग की ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से, और प्राइस पॉइंट भी इसका बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, तो आप इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं और मुझे बताना आपके हस्बैंड या बॉयफ्रेंड को कैसा लगा। नेक्स्ट अप ये चिकनकारी कुर्ता है जो मुझे, मैं सच में मैं कहूँ मैं इतना ज़्यादा खुश थी जब मैंने इसको ऐप पे देखा। लिटरली 2 सेकंड में मैंने ये कुर्ती को एटल कार्ट कर लिया था क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी इसको पाने के लिए। मैंने ये सेम वाला सेट उस कुर्ती के साथ भी पहना हुआ है जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। वाइट, जैसे कि आप जानते हैं मेरा फेवरेट कलर है, मुझे वाइट हर सीज़न हर मौसम में पहनना अच्छा लगता है, चाहे बारिश हो, चाहे धूप हो, चाहे गर्मी हो, चाहे जो भी हो। मुझे लगता है एक वाइट कुर्ती आपकी एक वार्डरोब स्टेपल है जो आपके वार्डरोब में डेफिनेटली होनी चाहिए, क्योंकि वाइट कुर्ती आप कई सारे तरीकों से पहन सकते हैं। इसीलिए जब मैंने इसे ऐप पे देखा तो मैंने तो बोल दिया कि अभी मुझे ये लेना ही है। इस कुर्ती के बारे में बात करते हुए मैं अगले आइटम के बारे में भी बताना चाहती हूँ जो कि एक ब्रालेट सेट है। मैंने मेरे पिछले वीडियो में भी कहा था कि मैं जब भी चिकनकारी कुर्ताज पहनती हूँ मुझे अंदर ब्रास पहनना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मुझे लगता है ब्रास उसकी खूबसूरती को बहुत ज़्यादा बिगाड़ देते हैं। इसके लिए मैं यूजली ब्रालेट्स पहनती हूँ चिकनकारी कुर्ताज के अंदर, क्योंकि उससे कुर्ता की खूबसूरती भी बनी रहती है, मुझे अंदर जो इनर वेयर है वो भी खूबसूरत दिखता है। तो इसके लिए यूजुअली मैं ऐसे ब्रालेट टाइप्स पहनती हूँ। ये वाला जो ब्रालेट सेट है वो बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है, तो उस चीज़ का ध्यान रखें। बट ये सेट जो है टॉप और बॉटम दोनों ही स्ट्रेचेबल हैं, तो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा साइज रेंज को ये फिट आ जाएगा, तो आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हैं। और अगेन प्राइस पॉइंट जो है इसका बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, तो मुझे लगता है कि आप एक बारी ट्राई कर सकते हैं कि आपको ये कैसा लगा। अगला है ये बहुत ही कम्फी कोजी वाला कोऑर्ड सेट। एक्चुअली जब ये मुझे डिलीवर हुआ था मैं थोड़ी स्केप्टिकल थी कि मुझे ये फिट आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि पैंट्स थोड़े शॉर्ट लग रहे थे, बट जब मैंने पहना उसको ये मेरी हाइट के लिए परफेक्ट है, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा लंबी हूँ। पैंट्स के साथ मुझे हमेशा वो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि क्या वो मुझे हाई वेस्ट प्रॉपरली फिट आएंगे, और डेफिनेटली मैं तो इसे कहीं मैं फ्लाइट ले रही हूँ या ऐसे कुछ तो मैं डेफिनेटली ये वाला क्वाड सेट पहन के जाऊँगी। मैं तो भैया जी एयरपोर्ट लुक्स तो ऐसे खरीद रही हूँ जैसे कि बस कल मालदीव्स की फ्लाइट लेके हम मतलब 2 हफ्ते के लिए जाएंगे, फिर उसके बाद हम इटली जाएंगे, फिर उसके बाद हम एक यूरोप ट्रिप भी घूम के आ जाएंगे, पर बैठे कहाँ पे? घर पे।
एनीवेज मुझे लगता है कि मैं ये इतने ज़्यादा एयरपोर्ट लुक्स इसीलिए कलेक्ट कर रही हूँ क्योंकि ऐसे ही मैं एटलीस्ट मैं इसी ख्याल में सोच में अपने आप को खुश कर सकती हूँ कि इसी बहाने में मैं थोड़ा ट्रैवल कर रही हूँ। और इसका जो मटेरियल है वो काफ़ी थिक और कंफर्टेबल है, क्योंकि मोस्टली क्या होता है एरोप्लेन में ठंड लगती है, जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा थिक मटेरियल पहनना रेकमेंडेड है क्योंकि एरोप्लेन में यूजुअली ठंड लगती है और मुझे तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, इसीलिए ये मेरे लिए परफेक्ट एयरपोर्ट लाउंज टाइप लुक है। ये सेट के साथ मैं सेट हूँ। मेरे अगले दो आइटम्स हैं ये दो बैग्स। पहला है ये वाला बैग जो कि ब्राउन कलर का है। मुझे ब्राउन कलर के बैग्स मेरे एवरीडे बैग के लिए यूज़ करना बहुत पसंद है, मुझे लगता है क्योंकि वो ऑलमोस्ट सारे आउटफिट्स के साथ जाता है। ये साइज़ भी बहुत परफेक्ट है और एक्चुअली इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ सकती है क्योंकि इसका जो बॉटम है वो वाइड ऐसा है, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जा सकती हैं इसके अंदर। मेरे लिए एवरीडे यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और मुझे कलर भी एक्चुअली बहुत अच्छा लगा। इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें फिट भी आ जाती हैं जो मेरे लिए अमेजिंग है। और मैं एक्चुअली कॉन्शियसली ट्राई करती हूँ कि मैं एक बड़ा वाला बैग नहीं लूँ क्योंकि मैंने हमेशा देखा है मैं बड़ा वाला बैग लेती हूँ, उसमें बहुत सारी चीज़ें डाल देती हूँ और फिर मेरा कंधा दुखने लग जाता है। तो काफ़ी टाइम से मैं छोटी ये मतलब मीडियम साइज की बैग कैरी करती आ रही हूँ और मैं इसको लेकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अगला बैग है ये ब्लैक वाला, इसको एक्चुअली आई गेस बैगेट कहते हैं क्योंकि, और ये वाला जो बैग है जो ये स्टाइल का बैग है ये आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। मुझे लगता है इवन ये साड़ी के साथ काफ़ी क्यूट दिखेगा। ये डेफिनेटली एक ट्रेंडी पीस है, मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज़्यादा सामान फिट आएगा क्योंकि ये बस एक ऐसा बैग है जो आप मतलब थोड़े टाइम के लिए कहीं आप बाहर जा रहे हैं या आपको वो ट्रेंडी लुक चाहिए अपने आउटफिट के साथ, या फिर आपको रात के टाइम पे जब आप कहीं डिनर या डेट के लिए जा रहे हैं तो ये बैग आप डेफिनेटली कैरी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं आएंगी बट डेफिनेटली एसेंशियल्स तो आई जाएंगी। और ब्लैक आप जानते ही हैं एक ऐसा कलर है जो बहुत सारे आउटफिट्स के साथ मैच करेगा, तो इसीलिए मैंने ये ब्लैक वाला लिया और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे ऐसा वाला बैग बहुत टाइम से चाहिए था। तो हाँ, बस यही वो चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाहती थी, मैंने मीशो से ली। आई थिंक मुझे ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बहुत पसंद आई हैं। फेवरेट चीज़ अगर मैं कहूँ तो डेफिनेटली ये साड़ी है और ये सेट, मैं जब ये पहनती हूँ मुझे सीरियसली ना ऐसा लगता है बैकग्राउंड में वो म्यूजिक चल रहा है, पहला पहला प्यार सनम वादा है कभी होगा ना कम। तो बड़ी रोमांटिक फील आती है मुझे मैंने जब साड़ी पहनी, तो ये तो मेरा फेवरेट है। और मैं बस अभी रुकी हूँ कि मैं कब पहाड़ों पे जाके यश चोपड़ा की हीरोइन की तरह ये साड़ी ऐसे लहराती हुई एक फोटो लूँ इंस्टाग्राम के लिए। तो हम बस अभी दुआ कर सकते हैं कि पूरी दुनिया जो है वो हील हो जाए और हम वादियों की तरफ जाएं और ऐसी खूबसूरत सी साड़ी के साथ फोटो खिंचवाएं। तो अभी के लिए तो ये बस हम इंटरनेट पे आप लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए ऐसे नाचेंगे। पर मैं सारे कपड़ों के कोड वगैरह डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। और हाँ, बस दैट इज इट। मेरे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि आपको पता चलेगा कि मेरा वीडियो कब आया। एंड लाइक आई ऑलवेज से, कीप इट बॉसी।